पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चित्रकूट से आ रही बड़ी खबर से। नशे में धुत भाई ने भाई को गोली मारी है और गोली लगने से बड़े भाई की मौके पर मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची है। करवी के शंकर बाजार शिशु मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। तो चित्रकूट में रिश्ते तार तार हुए हैं। नशे में धुत होकर भाई ने अपने भाई के ऊपर गोली से हमला किया है, जिसमें भाई की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बड़े भाई की मौत हुई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। करवी के शंकर बाजार शिशु मंदिर के पास की ये घटना है। तो चित्रकूट से बड़ी खबर है, नशे में धुत होकर सगे भाई ने अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली लगने से बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर आनंद फानंद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस की तरफ से आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। ये घटना अभी अभी हुई है। छोटे भाई ने जो है बड़े भाई की हत्या कर दी। मृतक के पिता ने ये बताया कि छोटे भाई जो है शराब के नशे में था और गाड़ी की चाबी मांग रहा था, तो शराब के नशे में गाड़ी का चलाया जाना उचित नहीं था, इसलिए मना किया बड़े भाई ने। इसी खुन्नस में जो है अवैध असलहे से जो है अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इस समय पुलिस की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये घटना अभी अभी हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, नशे में धुत होकर एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी गोली मार के। फिलहाल जो आरोपी भाई है उसकी अभी तक गिरफ्तारी हो पाई या फिर नहीं? देखिए जिले में आपको बता दिए, पूरा मामला शहर करवी चित्रकूट शहर करवी मुख्यालय का है, जहां पर शंकर बाजार में एक भाई ने भाई देर रात गाड़ी की चाबी मांगने पर, मोटरसाइकिल की चाबी मांगने पर, और उसने नशा किया हुआ था जिसको लेकर के भाई ने मना किया कि चाबी नहीं दूंगा, उसी को उन्नत खा करके और भाई को गोली अवैध असलहे से मार देता है और घर वालों में परिजनों में मातम मच जाता है और पुलिस सूचना पर पहुंच जाती है। लेकिन हालांकि जो भाई है अभी भी फरार है और पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं पकड़ने के लिए, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी आरोपी बाहर है और ये पीएम के लिए रिपोर्ट भेज दिया गया है। जी जी विनोद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।